प्रभास की ये पांच फिल्में बॉक्स ऑफिस को हिला के रख देंगी। आपको पता है प्रभास जब भी अपनी कोई मूवी को रिलीज करता है और वो मूवी भाई बॉक्स ऑफिस पर कितना जबरदस्त तरीके से भाई कमाई करते हुए नजर आती है। आपको पता है उस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, जो ओपनिंग होती है भाई, वो मास अनबिलीवेबल होती है, जबरदस्त तरीके से मूवी कमाई कर रही होती है। लेकिन से भाई प्रभास की जो पांच फिल्में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पांच फिल्में सुनने के बाद आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि भाई आप लोगों को नहीं पता होगा कि प्रभास अब किस लुक में आने वाले, किस कैरेक्टर में आने वाले प्रभास। देखिए भाई बहुत ही जबरदस्त अपडेट सामने निकल कर आ रहे प्रभास के पांच फिल्मों को लेकर। और भाई ये भी बताऊंगा कि कौन है डायरेक्टर। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जितनी भी मूवी आ रही है, जैसे कि प्रभास की अभी जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो पांच फिल्म है, ठीक है। और पांच की पांच फिल्मों के जो डायरेक्टर ना भाई, वो आप लोग कहते थे भाई जबरदस्त है भाई, एक नंबर। अब देखिए मैं कुछ डायरेक्टर का नाम यहाँ पर लेता हूँ, जैसे कि हो गए प्रसाद नील, ठीक है, और हो गए संदीप रिड्डीवांगा, यही और बड़े बड़े डायरेक्टर जो है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कौन सी फिल्में हैं, कौन सी फिल्में के कौन डायरेक्टर रहेंगे। तो करते हैं अपनी इस वीडियो को ले स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो करते हैं अपनी इस वीडियो को ले स्टार्ट। प्रभास के फैंस इतना ज़्यादा भाई कॉन्फिडेंस रखने वाले वो प्रभास के फैंस हैं। प्रभास के फैंस का कहना है, प्रभास आप कोई भी फिल्म को रिलीज करो, ओपनिंग हम दिलाएंगे भाई, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं। बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में अब तक दे चुके हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि प्रभास की जो फिल्म है, जो नेक्स्ट फिल्म है, पांच फिल्में नंबर वन पर आती है, फौजी। फौजी मूवी गाइस जबरदस्त तरीके से कमाई करेगी, क्योंकि फौजी मूवी का जो जो स्टोरी है गाइस, वो रियल स्टोरी है, उस पर मतलब उस स्टोरी पर दर्शाया जाएगा, ठीक है। प्रभास भाई जबरदस्त तरीके से भाई वो पूरी तरह से आप लोग कह सकते हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि अब वो बहुत जबरदस्त तरीके से धमाल मचाने वाला है। तो आप लोग कह सकते हैं जो फौजी का जो बजट है वो 300 करोड़ है। 300 करोड़ में बनने वाली फिल्म फौजी, जिससे अभी शूटिंग में नहीं स्टार्ट हुई है, कुछ भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है फौजी नाम से। अभी इसका जो मेन टाइटल है भाई, वो भी रिवील नहीं हुआ, लोग इसे फौजी कह कह रही बुलाते हैं, लेकिन इसका जो मेन टाइटल वो फौजी नहीं है, ठीक है। अभी जो गाइस अभी कोई भी अपडेट सामने निकल कर नहीं आया फौजी से रिलेटेड, जैसे कोई अपडेट निकल कर आता है, मुझे जहां तक लगता है भाई टाइटल का ही पहला अपडेट सामने निकल कर आएगा, क्योंकि इस मूवी का जो गाइस नाम है वो फौजी नहीं है, लेकिन उसे लोग फौजी कह के ही बुलाते हैं, क्योंकि भाई ये एक रियल स्टोरी है कि जबरदस्त तरीके से भाई जब ये सिनेमा हॉल में लगेगी, फिर उस समय भाई क्या कमाई करते हुए, तो भाई देखने के बाद ही पता चलेगा। प्रभास की कोई भी फिल्म आती है वो नंबर वन कमाई करती है भाई, जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड बनाती है, इतिहास रचने में कामयाब होती है। तो भाई दूसरी मूवी कौन सी है, तो आप लोग कह सकते हैं भाई दूसरी मूवी होगी स्प्रिट। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, स्प्रिट। कौन सी है भाई स्प्रिट के जो डायरेक्टर जानते कौन है, संदीप रिड्डीवांगा, जिसने एनिमल जैसी फिल्म पड़ी थी भाई। अभी 100 करोड़ बजट था और 900 करोड़ कमाई एनिमल। भाई साहब वो होंगे डायरेक्टर, तो क्या होगा भाई लोगों का, कैसे क्या होने वाला भाई स्प्रिट। देखिए भाई स्प्रिट एक ऐसी फिल्म होगी जिसका बजट 300 करोड़ पे होगा, 300 करोड़ के आसपास होगा, ठीक है। और संदीप रिड्डीवांगा ये डायरेक्टर होंगे। आप लोग बताइए भाई कैसा होगा। देखिए भाई जब स्प्रिट का जो अपडेट आने लगेगा, उस समय भाई जबरदस्त तरीके से ट्रेंड होगी। अभी ये सिर्फ कुछ लोगों को पता है स्प्रिट मूवी आने वाली, ठीक है। अभी इसके नाम से कोई हैशटैग वगैरह नहीं चल रहा है भाई, लेकिन से हाँ यह है कि भाई स्प्रिट एक फिल्म है जो अनाउंसमेंट हुई है। ये देखिए आप लोग कह सकते हैं कि जिस तरीके से एनिमल का बवाल हुआ, उसका डबल टिबल होगा प्रभास की फिल्म स्प्रिट का। डायरेक्टर वही है, और आपको पता है प्रभास की क्या फैन फॉलोइंग है, आपको पता है, मुझसे ज्यादा आपको पता है, ठीक है। तो भाई आप लोग कह सकते हैं भाई स्प्रिट जो फिल्म होने वाली है बहुत जबरदस्त होने वाली है। अब बात करें हम लोग तीसरी फिल्म कौन सी है, तो तीसरी फिल्म आप लोग कह सकते भाई अभी जिस जो आपने देखा टीजर, जी हाँ, द राजा साहब। द राजा साहब भाई एक ऐसी फिल्म होने वाली है कॉमेडी, रोमांटिक एंड हॉरर तीनों मिलाकर भाई आप लोग कह सकते हैं हम लोग पहली बार इस लुक में देखने को मिलेंगे, मतलब प्रभास हम लोगों को पहली बार इस लोक में देखने मिलेंगे। और भाई जब लगेगी भाई थिएटर में, उस समय भाई क्या बवाल होने वाला है भाई। ये देखिए भाई ये ऐसी फिल्म होने वाली है जो आप लोग कह सकते हैं कि भाई ओपनिंग तगड़ी लगी, और मुझे जहां तक लगता है भाई मूवी 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करने में कामयाब हो सकती है। और एक चीज और भाई इसमें इंटरेस्ट है कि इस मूवी का जो बजट वो बहुत कम है, और इस मूवी का देखिए भाई इस मूवी में जो है प्रभास जो है अभी पर मतलब अभी जो उनकी फीस चल रही है वो 150 करोड़ रुपए है, लेकिन से इस फिल्म के लिए प्रभास ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो आपसे हो सकता है मुझे वही देना।
फिर भी भाई कुछ नहीं तो 50 करोड़ तो मिला ही होगा प्रभास को, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं ये फिल्म ऐसी है जो प्रभास भी चाहते थे इस फिल्म को बनाने के लिए। इस फिल्म में कुछ अलग तो देखने को मिलेगा ही भाई, जैसे कि आपको पता ही है 3 कैटेगरी की फिल्म है, एक है रोमांटिक, एक है कॉमेडी, एक है हॉरर। जब मिलेंगे भाई क्या होगा, किस तरीके का बवाल होने वाला है। तो भाई अब आप लोग बात करते हैं चौथी फिल्म में क्या है। तो आप लोग कह सकते हैं भाई जो आपने देख लिया है सालार। देखिए भाई जो चौथी फिल्म है ये सालार 2, सालार 2 भाई जबरदस्त तरीके से भाई आप लोग कह सकते हैं इस समय हाइप बना हुआ है, क्योंकि जब सालार मूवी रिलीज हुई थी उसी समय प्रशांत नीम ने कहा था कि जो सालार 2 है उसकी आज आधी नहीं बल्कि 40% शूटिंग वो ऑलरेडी कर चुके हैं सालार 2 की। जी हाँ गाइस, सालार 2 की आधी से ज्यादा मतलब 40% जो शूटिंग है वो हो चुकी है, ऐसा गाइस वो प्रशांत नीम कहते हुए नजर आ रहे थे। तो अब आप लोगों का क्या कहना भाई, चार फिल्में हैं वो जबरदस्त है भाई। पांचवी फिल्म जो है आप लोग कह सकते हैं अभी मुझे मतलब कि अभी वो अनाउंसमेंट नहीं हुई यार, मतलब कि बहुत कम चांस, इसीलिए मैं आपको पांचवी फिल्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जब उसका कोई अपडेट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता भाई। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, इतना ज्यादा पसीना भाई कुछ प्यार करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखना एंड।